लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सोलापुर उम्मीदवार राम सतपुते के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार ने मोची समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के संबंध में डिप्टी सीएम फडणवीस से फोन पर बातचीत की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें सतपुते कुछ लोगों के साथ बैठकर फडणवीस से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वह मोची समुदाय के लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज केस वापसी की बात कर रहे हैं। इस विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लुंढे ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, अपने पद का गृह मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। राम सातपुते जो कि सोलापुर के उम्मीदवार है लोकसभा के, उन्होंने उन्हें फोन करके कहा कुछ लोगों पे 353 का गुनाह दाखिल है कोविड के जमाने से, उसे वापस लेना है। फोन पर उन्होंने कहा हाँ हाँ हम जरूर वापस ले लेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये पक्का है। तो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट में ये कहा है कि ऐसे गुनाह वापस लेने के लिए एक समिति होगी और समिति के सिफारिश के अनुसार, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार ही इसको वापस लिया जा सकता है। तो फिर चुनावों को सामने रखकर ऐसी बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मतदाताओं को प्रभावित करने की बात है, सीधा सीधा साफ साफ दिखता है। हमारी चुनाव आयोग से ये विनती है कि इन्हें इनके गृहमंत्री पद से तत्काल दूर किया जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहोट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।